हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन वन, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चंस में अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। एजम्पशंस के साथ पहले एज्यूम करना है कि ये इरेशनल नंबर है, फिर आगे इसको रेशनल नंबर्स ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं क्यू और या फिर बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे लेट अस एज्यूम रूट फाइव इज रेशनल। अब जैसे ही रूट फाइव रेशनल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, नाउ रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स भी आपको पता है जिनमें दोनों में कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। वन इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, वो होते हैं हमारे को प्राइम्स। अब क्या करते हैं हम उसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट फाइव बी इक्वल टू में ए, उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड में अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट फाइव बी का होल स्केयर इक्वल टू में ए का होल स्केयर, क्या आता है रूट फाइव इंटू रूट फाइव, फाइव आ जाएगा, फाइव बी का होल स्केयर इक्वल टू में ए स्केयर। तो यहाँ पे क्या है, ये हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन आपको याद रखनी है, ए स्केयर फाइव जो है ए स्केयर को डिवाइड करेगा, मीन्स ए स्केयर इज डिविजिबल बाय फाइव, सो ए इज़ आल्सो डिविजिबल फाइव। देखिए ए स्केयर के जो भी फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फाइव होगा, तभी ये ए स्केयर को डिवाइड करेगा, और अगर ये ए स्केयर को डिवाइड करा है तो ये ए को भी करेगा। बस हमें यहाँ लिखना है ए स्केयर इज डिविजिबल बाय फाइव एंड आल्सो ए इज डिविजिबल बाय फाइव, क्लियर। अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट, ये जो वैल्यू आई है ए की, इसे हमें पुट करना है। उससे पहले यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। ये फाइव का मीनिंग क्या हुआ कि ये भी एक फैक्टर बन रहा है, अगर ए स्केयर फाइव से डिवाइड है तो ए भी फाइव से डिवाइड है, इट मीन्स ए के फैक्टर फाइव हो रहा है, जबकि हमने कहा था ए और बी में कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये को प्राइम्स हैं, बट यहाँ पे फाइव आ रहा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव सी, सी इज एनी इंटीजर, वेयर सी इज एनी इंटीजर। अब देखिए वेयर सी इज़ एनी इंटीजर, मैंने ये फाइव से क्यों लिया है, अगर मैं यहाँ पे सी की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, मैं आपको पुट करके दिखा रही हूँ, जैसे फाइव सी है, मान लेते हैं सी की वैल्यू पहले मैंने वन ली, फिर टू ली, फिर मैं थ्री ले लूँ, फोर ले लूँ, तो ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहाँ क्या आएगा, फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ये सारे फाइव से डिविजिबल हैं, इट मीन्स ये जो भी फैक्टर्स ये बन रहे हैं ये फाइव से डिविजिबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो फाइव इंटू समथिंग आएगी, इसलिए हमने सी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सी कोई भी इंटीजर हो सकता है, वन से जैसे वन टू थ्री फोर सोन, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये ए की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू ये आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, ए इक्वल टू फाइव से लिया और पीछे अभी हमने किया है ए स्केयर डिविजिबल बाय फाइव एंड ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाय फाइव। अब देखिए ए की, ये ए की वैल्यूज़ है, ठीक है, ए इंटू फाइव सी, मान लीजिए सी की वैल्यू मैं टू ले लूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जा रही है, टेन आ रही है, तो ये ए भी आल्सो उसने क्या कहा, फाइव से डिवाइड हो गया, तो टेन फाइव से डिवाइड हो रहा है, येस हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने फाइव के साथ सी लगा दिया है, क्योंकि जो भी कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो वन आए चाहे कोई भी फैक्टर हो, तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी और वो ए फाइव से डिवाइड होगा,
ठीक है, तो इसलिए 5 को अकेला नहीं एक वेरिएबल के साथ लिखेंगे, सी के साथ, जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड आउट की है उसे हमने पुट करना है इस वैल्यू में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ 1 इन, किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन 3rd में। 1 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है रूट 5b, तो ए इक्वल टू 5c है, रूट ए की वैल्यू है रूट 5b, ठीक है। अब इसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू की जगह पर लिखेंगे हम रूट 5b इक्वल टू 5c। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब बोथ साइड स्केयरिंग करने पे हमारा क्या आ जाएगा, रूट 5 का स्केयर 5b का स्केयर इक्वल टू में 5c का स्केयर। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5b का स्केयर इक्वल टू में 25c स्केयर। अब देखिए ये भी आपस में डिवाइड होंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 5b स्केयर को मैं यहाँ रहने देती हूँ और 25 के अपॉन में 5 आ जाएगा सी स्केयर, तो क्या आ जाएगा ये 5 5 5 5 25, तो बी स्केयर इक्वल टू में 5c स्केयर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बी स्केयर इज डिविजिबल बाय, किसके साथ होगा डिविजिबल बाय 5 आल्सो, एंड आल्सो बी इज डिविजिबल बाय 5, बी भी 5 से डिवाइड होगा। तो अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, बी के भी ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हमने प्रूव किया था ए के भी ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जबकि हमने यहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि ये को प्राइम है। तो यहीं पे हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है, जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है क्रिएट यहाँ पे, तो दोनों के फैक्टर 5 आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर, दोनों ए और बी में एटलीस्ट 5 तो कॉमन फैक्टर है। दिस अराइजेस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर देता है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन, डैट दिस अराइजेस कॉन्ट्राडिक्शन डैट, हमने क्या लिया था, को प्राइम्स लिए थे ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम्स, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हुई, को प्राइम्स में तो जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर हमारा 5 भी आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दिस, या फिर कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डैट, क्या एजम्पशन लिए थे हमने स्टार्टिंग में, देखिए एजम्पशन लिए थे हमने रूट 5 इज रेशनल नंबर, डैट रूट 5 इज रेशनल, ये हमने गलत एजम्पशन ली थी, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। बस लिख देंगे देयरफॉर, या फिर लिख देंगे वी कंक्लूड, नाउ वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करने के बाद ये जो थ्योरी मैंने लिखी ये आपको लिखनी जरूरी है, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, ये मस्ट है, जब भी प्रूफ का कोई क्वेश्चन आता है तो प्रूफ करने के बाद उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये तो होता था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सेम वही प्रूफ क्या करना है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। अगेन हम क्या कहेंगे, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। अब जब ये रेशनल हो गया तो क्या बन जाएगा, ये नाउ 3 + 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा, वेयर
बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट वाली इक्वेशन को हमें अलग करना है, जो रूट की स्टेटमेंट है ना, ये वाली 2√5, इसको हमें सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो विदाउट रूट है उसके साथ ए अपॉन बी को सेट कर देंगे। कैसे, 3 माइनस ए अपॉन बी, ए अपॉन बी को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में, ये माइनस 2√5 राइट में चला जाएगा, चाहे तो आप इसको उधर ले जाएं। अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा बी 3 माइनस ए, 3b माइनस ए सॉरी, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2√5। अब 3b अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2√5। आप देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2√5। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी हमें, ये जो माइनस आ रहा ना, यही क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो इसे हमें माइनस को नहीं लेके आना, हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पे हमने जो a अपॉन b को लेफ्ट साइड में लेके आए हैं, हम क्या करेंगे माइनस को अवॉइड करने के लिए 3 को राइट साइड में ले जाएंगे और रूट 5 को वहीं रहने देंगे, क्योंकि माइनस अगर आपका आ जाता है रूट के साथ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 3 को लेके जाते हैं राइट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, रूट 2√5 एज इट इज़ रहेगा, a अपॉन b माइनस 3 इधर आ जाएगा। अब 2√5 इक्वल टू में यहाँ b एलसीएम आ जाएगा और इधर a आ जाएगा, b से क्रॉस हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू a माइनस यहाँ अपॉन में 1 है, तो 1 और b मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे, क्या आएगा b, और b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3b। आप देखिए ये 2 है, यहाँ पे हमें सिर्फ रूट 5 चाहिए, तो हम 2 को इधर लेके आएंगे राइट साइड में, क्या होगा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं रूट 5 इक्वल टू में a माइनस 3b अपॉन में 2, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है a माइनस 3b अपॉन 2b, ये एक रेशनल नंबर बन रहा है, क्योंकि ये a अपॉन b की फॉर्म में है, ठीक है, और वेयर b नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b 0 भी नहीं है। तो देखिए, अगर ये रेशनल है तो इक्वल का साइन होने की वजह से लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है वो भी रेशनल हो जाएगी, बट कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमने अभी प्रूव भी किया है, रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल होता है, तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो बस यही सब लिखना है इसमें। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। नाउ a माइनस 3b अपॉन 2b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल। सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट डैट रूट 5 इज इरेशनल। फैक्ट तो यही है कि रूट 5 इरेशनल होता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डैट, क्या एजम्पशन थी हमारी, 3 + 2√5 इज रेशनल, ये लिख दिया हमने 3 + 2√5 इज रेशनल, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है। सो वी कंक्लूड डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हैंस प्रूव कर देंगे। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।